अगर आपको किसी को भी ये लग रहा है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है, आप में से दो आदमी चलें, मैं खुद चलूंगा आपके साथ, आपको बच्चा दिखा देते हैं। बच्चे का इलाज चल रहा है ना। और एक और चीज बता दूं, ये जो समय है ना, ये किस ढंग से भावनात्मक होके करने का नहीं है। आपको ऐसा लग रहा हो कि प्रशासन ये नहीं है, गलत कर रहा है, आप जैसा बोलेंगे वैसा अपन करने को तैयार है। आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? जब वो आदमी जीता, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? ऐसे लोगों को क्यों लगा अपने बीच में? उदयपुर में रविवार सुबह से एक बार फिर अफवाहों के चलते मामला गर्मा गया। पहले मुखर्जी चौक में घायल बच्चे के परिजनों ने हंगामा किया और बच्चे की स्थिति की सही जानकारी नहीं देने पर आक्रोश व्यक्त किया। बाद में पुलिस प्रशासन का पूरा जाप्ता वहां पहुंचा और समझाइश की। पुलिस अधीक्षक ने परिजनों से बात की। कुछ लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकता वर्ष मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। बार बार सर एक ही अफवाह फैल रही है। देखिए, ये मिसक्रिएंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और जिस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं ऐसा कन्फ्यूजन किसी को रखने की ज़रूरत नहीं, और फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो हमने हमारे नंबर उपलब्ध कराए कि हमारे नंबर से वो वस्तुस्थिति जान सकते हैं। किसी भी, मैं पुनः वापस कह रहा हूँ कि कोई भी अफवाह के ऊपर कभी कतई ही ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत। सर, हॉस्पिटल में गफलत कैसे हुई, किसने किया वो आइडेंटिफाई? कोई ना तो किसी ने ये बात बताई कि साहब उन्हें किसने इस बारे में कोई अपडेट दिया, ऐसी कोई ऑफिशियल या मतलब कोई नामजद कोई आदमी नहीं है किसने किस तरह की बात बताई। इधर समझाइश के बाद लोगों का हॉस्पिटल में इकट्ठा होना शुरू हो गया। बच्चे के परिवार व 25 महिलाओं ने जबरन MB हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में घुसने की कोशिश की है। इसी वार्ड में घायल स्टूडेंट का इलाज चल रहा है। वार्ड में नहीं जाने देने से नाराज लोग अंदर ही नारेबाजी भी की। पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से लोगों को समझाया। इससे पहले सुबह बच्चे की मां ने प्रशासन पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि बच्चे से नहीं मिलने दे रहे। इसके बाद मां के साथ बड़ी संख्या में लोग शहर के मुखर्जी नगर से रैली निकालते हुए हॉस्पिटल पहुंचे थे।
यहाँ पुलिस अधीक्षक की समझाइश के बाद लोग शांत हो गए थे। एसपी ने कहा था कि कुछ कंफ्यूजन हो गया था, परिवार बच्चे की स्थिति जान सकता है और मिल भी सकता है। बच्चे का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है।